हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। लास्ट वीडियो में हमने क्यूबिक क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था कि क्यूबिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप्स के क्यूबिक क्रिस्टल्स हमने डिफाइन किए थे। फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। क्लियर? तो जो क्रिस्टल्स हमने डिफाइन किए थे दैट वाज थ्री टाइप्स। तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। नाउ क्यूबिकल क्रिस्टल्स के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होती है आपकी सेम होती हैं। तो उसके लिए जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं एन आई प्लस एन एफ डिवाइडेड बाई टू प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एट। जहाँ पे एन आई क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ इंटीरियर एटम्स, एन एफ नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम्स और एन सी क्या होता है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। अगर हम बात करते हैं तीनों क्रिस्टल्स के बारे में, तो पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में हमारे पास जो तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालेंगे, तो पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स की, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स में एस सी सी के लिए अगर हम बात करते हैं, एस सी सी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अगर हम इस फॉर्मूले में देखते हैं, तो एन आई इंटीरियर्स में कितने एटम्स होते हैं हमारे पास, जीरो। ठीक है, प्लस एन एफ फेस सेंटर्ड में भी कितने होते हैं, इसमें जीरो होते हैं। प्लस एन सी, एन सी मतलब कॉर्नर्स में, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कॉर्नर्स पे एट एटम्स होते हैं डिवाइडेड बाय एट। दैट मींस कि जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स में वो कितना होता है, वन। अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए नंबर ऑफ इंटीरियर एटम्स, बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि बॉडी के इंटीरियर में, तो ये वन आ जाएगा। प्लस फेस सेंटर्ड में जीरो होते हैं और एट कॉर्नर्स में तो सारे सभी में होते ही हैं हमारे पास, तो इसमें आ जाएंगे टू। अब अगर हम एफ सी सी की बात करते हैं, एफ सी सी में क्या होता है इंटीरियर में कोई भी नहीं होता और फेस सेंटर्ड पे कितने होते हैं सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स बाय टू। प्लस कॉर्नर्स में इसमें भी एट बाई एट होते हैं, तो टोटल क्या हो जाते हैं फोर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में वन होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में टू होते हैं और फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, चार होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज इन द गिवन स्ट्रक्चर। नियरेस्ट नेबर का बात की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि अगर आप किसी मकान में रहते हो कहीं पर, तो बिल्कुल आपकी और जो आपके पड़ोसी हैं दोनों की अगर एक कॉमन दीवार है तो वो आपका नियरेस्ट नेबर कहलाएगा। क्लियर? तो जो एटम्स होगा अगर हम बात करते हैं इसमें कि इस तरीके से हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, और इस क्यूब के हमने जो नियरेस्ट नेबर देखने हैं कि एक और अगर हम क्यूब बनाते हैं तो जो क्यूब इसके बेस को लेके बनेगा, ठीक है, तो वहां पे जो एटम्स होंगे दैट इज नोन एज नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिक्स है। दैट मींस कि एक एटम के नियरेस्ट में छह एटम्स ने उसको सराउंड किया हुआ, उसको घेरा हुआ है। बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर एट है, और अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या है, ट्वेल्व। दैट मींस कि एक एफसीसी क्रिस्टल में 12 एटम्स ने एक एटम्स को कवर किया हुआ, मतलब 12 एटम्स की बाउंड्री एक एटम को टच करती है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने अज्यूम किया है कि जो एटम्स हैं वो क्या है हमारे पास, स्फेरिकल हैं, स्फेरिकल शेप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूब की बात करते हैं, देखिए इस तरीके से ये एटम्स हमने दिखाए हैं इसमें सिंपल क्यूब में। अब होता क्या है बेसिकली कि एक एटम से लेके दूसरे एटम का जो सेंटर होता है, ठीक है, यहां से लेके एक एटम के यहां से लेके दूसरे एटम का जो सेंटर होता है ये यहां तक,
ठीक है, इसको हम कहते हैं आर, ये रेडियस हो गया हमारे पास। और जो टोटल डिस्टेंस, ये देखिए यहां से ये जो है ए, ए क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसकी लेंथ जो है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए किसके इक्वल है, ये आर, ठीक है, 2R के इक्वल है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2R, तो जो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ये केस हो गया आपके पास सिंपल क्यूब का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले में, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होते हैं कि आपके पास कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं और एक एटम क्या होता है, बॉडी के सेंटर में होते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर वाले जो एटम है वो कुछ इस तरीके से होंगे डॉटेड के फॉर्म में, हमने उनको कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हमने उसका के ले लिया सिर्फ रेडियस आर, आर हो गया। अब ये सेंटर वाला क्या है, पोरस एटम है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2R। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम देखेंगे बीसीसी में 8 एटम्स होते हैं, तो यहां से अगर हम बात करते हैं डी एच स्क्वेयर, ये पॉइंट है डी आपके पास और ये पॉइंट है एच, तो डी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, डी सी स्क्वेयर प्लस सी एच स्क्वेयर। अब डी सी क्या है, ए है, सी एच भी क्या है, ए है। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, इसको क्यूबिक क्यूब लिया है और क्यूब में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्लियर। तो यहां से डी एच स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दैट इज 2A स्क्वेयर। अब अगर हम बात करते हैं डी जी स्क्वेयर, ये डी पॉइंट है और ये क्या है, जी पॉइंट है। तो डी जी स्क्वेयर के लिए हम जो देखेंगे दैट इज इक्वल टू डी एच स्क्वेयर प्लस जी एच स्क्वेयर। अब अगर हम देखते हैं कि डी एच स्क्वेयर है, तो डी एच स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डी सी स्क्वेयर प्लस सी एच स्क्वेयर और एच जी स्क्वेयर दैट इज ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और डी एच स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर दैट इज एच, और डी जी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है। अब अगर हम डी जी की वैल्यू देखते हैं तो ये वाला आर प्लस 2R प्लस R, तो डी जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर प्लस 2R प्लस R दैट इज इक्वल टू 4R। और अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4R का होल स्क्वेयर, 2A स्क्वेयर प्लस 2A स्क्वेयर 3A स्क्वेयर। और जब हम R को यहाँ से एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3A/4, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब में। अब फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि इसके फेस पे एंगल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से शो किया है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, क्लियर। मिस्टेक, इट इज दिस, तो 4R स्क्वेयर हो जाएगा सेम आर, तो ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर प्लस 2R प्लस R दैट इज 4R का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2A स्क्वेयर। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, √2A/4, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।